Good evening. Welcome to the class. Prepare for Maharashtra State Board exams with Unacademy. Unacademy ke saath Maharashtra State Board exams ki tayari kare. Launching commerce for Maharashtra Board term 1 morning and evening batches. Subjects offer economics, accounts, OCM, maths and statistics, English. Session start October 11. Test series and workshop from October. Visit unacademy.com today. Unacademy plus subscription at flat 10% off. Welcome to my class. Myself, Preeti Balarman. I am your English educator. I have done my master's from Mumbai University. 15 plus years of teaching experience. I have taught across boards, corrected board papers, and I have also been a content writer. What will we study today? आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है साइन ऑफ फोर. चैप्टर नेम साइन ऑफ फोर. द साइन ऑफ फोर. सर आर्थर इग्नेशियस कॉनन डॉयल वॉज अ ब्रिटिश राइटर हु क्रिएटेड द कैरेक्टर शर्लॉक होम्स. शर्लॉक होम्स के बारे में तो हमने सुना ही होगा. बहुत फेमस डिटेक्टिव कैरेक्टर, फिक्शनल कैरेक्टर, यानी रियल लाइफ में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था, लेकिन ये कैरेक्टर इतना पॉपुलर हुआ कि एक टाइम पे हमें लगने लगा कि शायद ऐसा कोई कैरेक्टर है, लेकिन ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है, फिक्शनल कैरेक्टर. ही क्रिएटेड द कैरेक्टर शर्लॉक होम्स. Originally a physician in 1887. तो ये जो हमारा author है Arthur Ignatius Conan Doyle, ये एक physician थे. Physician यानि doctor. He published a study in Scarlet, the first of four novels. चार novel इन्होंने लिखे और publish किए. इसमें से first novel जो था वो है A Study of Scarlet. And more than 50 short stories about Holmes and Dr. Watson. Sherlock Holmes, हमारा popular detective, और उसका जो friend था इन सारे novel के series में, उनका नाम था Dr. Watson. The Sherlock Holmes stories are generally considered milestones in the field of crime fiction. Sherlock Holmes stories, milestones है यानी एक बेंचमार्क जैसे, यहाँ तक पहुँचना है हमें. लाइक हम ट्वेल्थ ग्रेड में हम क्या मान के लेते हैं, वी हैव टू गेट मैक्सिमम परसेंटेज, 99%, 98%, 97%, वॉट एवर इट इज, दैट इज अ माइलस्टोन. एक अच्छा हाई स्टैंडर्ड सेट करना, तो वैसे माइलस्टोन्स है. इतना अच्छा नॉवेल्स, इतना अच्छा डिटेक्टिव फिक्शन सर आर्थर इग्नेशियस कॉनन डॉयल ने लिखे, that it is considered a milestone in the field of crime fiction. Crime fiction में fantastic novel माना जाता है. ऐसे fiction लिखना, ऐसे crime fiction लिखना हर एक writer का सपना बन जाए, you know. तो that is एक चीज को आप role model बना के जैसे आप follow करते हो, वैसे Sherlock Holmes के stories is that influential. Doyle was a prolific writer. Prolific यानी बहुत ज्यादा लिखना, plenty. Okay? Meaning of prolific. Milestone, benchmark. Prolific, plenty. बहुत ज्यादा लिखना. All right.
अदर देन होम्स स्टोरीज, शर्लॉक होम्स के स्टोरीज लिखने के अलावा हिज स्टोरीज इंक्लूड फैंटेसी. फैंटेसी यानी नॉट रियल, अनरियल स्टोरीज, फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन स्टोरीज. साइंस को लेके जो फिक्शनल स्टोरीज हो सकते हैं, इमेजिनेटिव स्टोरीज हो सकते हैं, यानी जैसे एलियंस की स्टोरी या टाइम ट्रैवल, यू नो 200 साल आगे चले जाना या 200 साल पीछे चले जाना, टाइम ट्रैवल स्टोरीज. अबाउट प्रोफेसर चैलेंजर एंड ह्यूमरस स्टोरीज अबाउट द नेपोलियनिक सोल्जर ब्रिगेडियर जेराल्ड आर एज वेल एज प्लेज, रोमांसेस, पोएट्री, नॉन फिक्शन एंड हिस्टोरिकल नॉवेल्स. तो सर इग्नेशियस आर्थर कॉनन डॉयल ने क्या क्या लिखे हैं? प्लेज यानी ड्रामा, प्लेज लिखे हैं, रोमांसेस यानी लव स्टोरीज, पोएट्री पोएम्स, नॉन फिक्शन यानी जो रियल स्टोरीज नहीं है हमारे इमेजिनेशन, काल्पनिक स्टोरीज जो है वैसे नॉन फिक्शन लिखे हैं, एंड हिस्टोरिकल नॉवेल्स. ओके, हिस्टोरिकल नॉवेल्स, हिस्ट्री बेस्ड नॉवेल्स जो है. वन ऑफ डॉयल्स अर्ली शॉर्ट स्टोरीज जे हबाकुक जेफसन्स स्टेटमेंट हेल्प टू पॉपुलराइज द मिस्ट्री ऑफ द मैरी सेलेस्ट. मिस्ट्री को पॉपुलराइज किया इन्होंने. द साइन ऑफ फोर इज द सेकेंड नॉवल ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल इन विच शर्लॉक होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द हिडन ट्रेजर एंड मर्डर. क्या है साइन ऑफ फोर इस नॉवल में? इसमें शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन वो राज ओपन करते हैं जो एक पुरानी तिजोरी, यू नो व्हाट इज दैट, ट्रेजर जिसे हम कहते हैं, खजाना जिसे कहते हैं, खजाने को लेकर और उससे एसोसिएटेड मर्डर क्राइम्स इसको अनसॉल्व करते हैं, सॉल्व करते, सॉरी नॉट अनसॉल्व. आउटलाइन ऑफ दिस नॉवल, नॉवल में क्या हो रहा है? ओके, पूरा का पूरा नॉवल हमें नहीं पढ़ना है. इन शॉर्ट आउटलाइन ऑफ द नॉवल बिगिंस विद होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन एंगेज्ड इन अ डिस्कशन व्हेन मैरी मॉर्टसन अ यंग वुमन. ओके, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? नॉवल के बिगिनिंग में होम्स और डॉक्टर वॉटसन डिस्कशन कर रहे हैं. ओके, When Mary Morton, a young woman, Mary Morton, who desires Holmes' advice, Sherlock Holmes का उन्हें advice चाहिए. Sherlock Holmes तो जाने माने detective थे, लोग अपना problems, mysterious problems solve करने Sherlock Holmes के पास आते थे. तो ये जो lady है, young woman, Mary Morton, she comes to Holmes for advice. Soon visits the two at their place, two yani Holmes and Dr. Watson. During the meeting, Mary tells that after her father disappeared under mysterious circumstances some 10 years ago, 10 साल पहले उनके father अचानक से गायब हो गए. Okay, अचानक से गायब हो गए, पता नहीं कहाँ गायब हो गए. तब से उसे एक लार्ज पर्ल, पर्ल यानी मोती, मेल में मिलता है उसी दिन हर साल. जिस दिन उसके फादर लापता हो गए, हर साल उसी दिन उसे एनवेलोप में एक मोती मिलता है. अब इसे क्या समझ में आना चाहिए? किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा इससे. गॉट इट? सो शी इज ऑल्सो वंडरिंग व्हाट इज दिस हैपनिंग. जो भी है, इसके ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो खैर हो रहा था, पर्ल आ रहा था एंड दैट्स अबाउट इट. She tells that she has received a letter instructing her to go with the accompaniment of two friends to Lyceum Theatre. Pearl मिलना ये तो अजीब बात है, लेकिन ये उसका फिलहाल problem नहीं है, क्योंकि इससे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, right? आपको mail में कुछ आ रहा है, you throw it or keep it, that is up to you. Now she has got a letter, उसे letter आया है. उस लेटर में उसे कहा गया है कि दो फ्रेंड्स के साथ वो लाइजियम थिएटर पे आना चाहिए. दिस इज सस्पिशियस. आपको कोई लेटर आए और आपको बताए कि चलो आप इस जगह पे आओ मुझसे मिलने, तो आपको ऑब्वियसली शक होगा, डर लगेगा कि पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, किस बात के लिए बुला रहे हैं.
The letter gives a hint. Hint means clue. Okay? Letter ye hint de raha hai ya clue de raha hai that some injustice, wrongdoing, kuch to anyay hua hai uske saath. Has been done to her. Holmes and Watson agree to accompany Mary. Accompany, escort. Kisi ke saath jana. Soon Watson and Mary are attracted to one another. Watson, abhi ye to alag baat hai novel mein. ये तो प्रॉब्लम है और थिएटर में जाना है, दो लोग को वो लेके जा सकते हैं, ये उसको लेटर में बताया गया है. इसके अलावा आगे चल के मैरी और वॉटसन एक दूसरे को पसंद करना स्टार्ट करते हैं. ओके, दे लाइक ईच अदर. लेट्स सी व्हाट हैपेंस अहेड व्हेन द थ्री आर हेडिंग टू द लाइजियम थिएटर. ओके, ये हमने जान लिया, उसको लेटर आ गया है. लेटर में दो फ्रेंड्स को लेके वो आ सकती है. शर्लक होम्स और डॉक्टर वॉटसन अग्री करते हैं कि वो आएंगे उसके साथ. ये तीन जब लाइजियम थिएटर की तरफ आ रहे होते हैं तब क्या होता है, होम्स, वॉटसन एंड मैरी, दे आर विस्क्ड अवे इन अ डार्केंड कैरेज इन टू अ स्ट्रेंज हाउस. तीनों उस थिएटर की ओर आ रहे हैं, इतने में उनका किडनैप हो जाता है. एक अंधेरा वाला कैरेज, कैरेज हम जानते हो घोड़ा गाड़ी जो बॉक्स जैसे पीछे बंद रहता था, कैरेज एलिजाबेथन टाइम्स में जो था उसके अंदर उन्हें व्हाट इज इट, दे आर डंप्ड इनटू दैट कैरेज. अंधेरा है कैरेज के अंदर, वहां से एक स्ट्रेंज हाउस, एक अजीब से घर में इन्हें लेके जाते हैं. घर के अंदर उन्हें कौन मिलता है, Within they find an eccentric gentleman named Thaddeus Sholto. Who is eccentric? Eccentric का मतलब है mad. हम कहते हैं ना थोड़ा सा पागल है, तो we say eccentric, mad, crazy. उनका नाम क्या है character? Thaddeus Sholto. He reveals that not only has Mary's father died, but also she is partial heir to a great hidden treasure. अब वो उसे ये राज की बात बता देता है. ये तो हम जानते हैं, मेरी फादर लापता हो गए 10 साल पहले, और उस दिन पर एवरी ईयर उसे एक लार्ज पर्ल मिलता था, मोती. अब ये आदमी उसे बता रहा है कि हर फादर इज डेड, उसके पिता गुजर चुके हैं. ये इंफॉर्मेशन दिया. इसके बाद ये और एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, पार्शियल एयर टू अ हिडन ट्रेजर. पार्शियल ऑपोजिट, नॉट ऑपोजिट, लेस देन फुल, थोड़ा सा. पार्शियल लेस देन फुल, एक खजाना है, उस खजाने का एक हिस्सा मैरी मॉटसन को मिलना चाहिए, ये उसे थैडियस शॉल्टो बताता है. नेचुरली इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज. ऐसा कोई आपको बता दे कि आप एक खजाने के एक शेयर आपको मिलना चाहिए, उसके हकदार हो आप, शॉकिंग न्यूज, राइट? एंड हु विल नॉट वॉन्ट अ ट्रेजर, राइट? सबको अपना वेल्थ बढ़ाना अच्छा लगता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है. पीपल, वी आर ऑल लाइक दैट. सो शी इज ऑल्सो कीन ऑन इट. Why should you give up something? क्यों किस कोई चीज जो आपका हक है वो क्यों छोड़े हम? Thaddeus goes on to explain that her father always lived in fear of men with wooden legs. यानी वो Thaddeus Sholto, वो Mary Watson, Sherlock Holmes और Dr. Watson को बताता है कि his father, उसको हमेशा डर था लोग जिनके wooden legs थे. Artificial leg, something wrong with your own leg, so that leg has to be cut off and then
वुडन लेग्स लगाए जाते हैं जो हमारे प्रोस्थेनिक्स हैं अभी के जमाने में, समथिंग लाइक दैट. एंड ऑन ओकेजन स्ट्रक आउट एट परफेक्ट स्ट्रेंजर्स हु वर सो हैंडीकैप. इट्स अ हैंडीकैप राइट, वुडन लेग्स, यू डोंट हैव योर रियल लेग्स, यू हैव वुडन लेग्स. तो उन्हें इन लोगों का डर था और ऐसे लोग जब उसे दिखते थे तो वो उन्हें बिना मतलब के अटैक करता था क्योंकि उन्हें डर था. इट इज हिज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. तो वो ऐसे लोगों को, स्ट्रेंजर्स को उन्हें अटैक करता था, उन्हें इन लोगों से डर लगता था. ऑन हिज डेथ बेड द एल्डर शॉल्टो रिवील्ड टू हिज सन्स. तो थैडियस अपने फादर के बारे में बात कर रहे हैं. उनका फादर जब ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड, वो मरने वाला था, उसने एक सच्चाई उनको बताई. ओके, रिवील्ड इज टू ओपन अप. To tell a secret. Thaddeus goes on to explain that his father always lived in fear of men with wooden legs and on occasion struck out at perfect strangers who were so handicapped. On his deathbed, his father revealed to his son the existence of a treasure. एक खजाने के बारे में उन्हें बताता है, लेकिन किधर, क्या, कहाँ, कैसे, ये बताने से पहले उनके पिताजी ने खिड़की पर एक दाढ़ी वाले आदमी का चेहरा देखा. And he dies of a heart attack. Fatal yani something that can kill you. Fatal, deadly. Something that can kill. On his deathbed, yes, the elder Sholto revealed to his sons the existence of the treasure, but just before he could tell them where it was, okay, he suffered a fatal heart attack. He sees the what is that image of a man, of a bearded man, एक दाढ़ी वाला आदमी को वो खिड़की पे दिखता है और डर के मारे ये आदमी मर जाता है. When in doubt, always ask an academy. An academy's ask a doubt feature available to all plus subscribers of Maharashtra board. Ask your doubts using the AAD feature. ये प्रोसीजर है डाउट पूछने का. सारे प्लस सब्सक्राइबर्स को ये अवेलेबल है, ये फैसिलिटी 24/7 सुबह शाम रात किसी भी वक्त ये डाउट आप पूछ सकते हैं, किसी भी दिन ये पूछ सकते हैं डाउट. ये दिस इज द प्रोसेस, डाउट्स एंड सॉल्यूशंस. आस्क अ डाउट, Submit your question, view solutions. What is raise a hand? Exclusive feature for plus and iconic subscribers. Plus or iconic subscribers के लिए ये exclusive feature है raise a hand, जहां पर आप ये option use करके live अपने educator से बात कर सकते हो. So you can have interactive sessions. Participate in quizzes, vivas and doubt solving sessions. Take your exam preparation to the next level. Personalized and highly interactive live class experience. Use my code PMHLIVE and get a 10% discount on subscription. An Academy Parent App. Download the Unacademy Parent app. Track your performance in one click. ये link दिया गया है जिसे download करने से आपका progress academics में कैसे हो रहा है ये आपको दिखेगा. So, Thaddeus Sholto's father dies of a heart attack.
ये राज बताने से पहले कि खजाना कहाँ पर है, इससे पहले वो मर जाता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग अ नोट वॉज फाउंड अफिक्स्ड टू द बॉडी. इट रेड साइन ऑफ फोर. ये हमारा टाइटल है नॉवल का, साइन ऑफ फोर. थैडियस प्रोसीड्स टू एक्सप्लेन दैट आफ्टर सर्चिंग फॉर ईयर्स फॉर द ट्रेजर हिज ब्रदर बार्थोलोमियो. इनका नाम क्या है? थैडियस शॉल्टो. भाई का नाम बार्थोलोमियो शॉल्टो. ओके, बॉडी किसका था? थैडियस शॉल्टो के फादर के बॉडी पर एक नोट मिलता है, यानी एक पेपर फिक्स कर दिया रहता है, उसमें लिखा जा रहा है साइन ऑफ फोर. इस टाइटल का क्या मतलब है हमें अब तक पता नहीं, ना तो ये कैरेक्टर्स जो अभी है नॉवल में इन्हें भी पता नहीं है साइन ऑफ फोर का मीनिंग क्या है. एक्सक्यूज मी, जस्ट टुक अ सिप. ऑलराइट, थैडियस प्रोसीड्स टू एक्सप्लेन दैट आफ्टर सर्चिंग फॉर ईयर्स फॉर द ट्रेजर हिज ब्रदर बार्थोलोमियो डिस्कवर्ड इट इन अ हिडन एटिक इन द फैमिली हाउस. ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है. इट इज नॉट अटैक, इट इज एटिक. लॉफ्ट जिसे कहा जाता है, घर में लॉफ्ट होता है जहाँ पर हम टैंक रखते हैं, या लॉफ्ट होता है जहाँ पे हम चीजें रख सकते हैं. सो एटिक, इट्स नॉट अटैक. उसको उनका जो फैमिली हाउस है, जो घर है, उसके ऊपर छत पर उन्हें ये चीज मिला. ऑन हिज डेथ बेड द ब्रदर्स फादर मेड देम स्वेयर दे वुड शेयर द ट्रेजर विद मैरी मॉटसन. अब बार्थोलोमियो को ये मिला, इसके पहले, इसके फादर मरने से पहले बताया तो नहीं कहाँ पर है, बताने जा रहे थे इतने में उनकी डेथ हो गई, लेकिन उसके पहले उन्होंने बताया अगर तुम्हें ये ट्रेजर मिलता है तुम्हें ये मैरी मॉटसन के साथ शेयर करना है. हु हैड सम अननोन क्लेम टू द फॉर्च्यून. कैसे इस लेडी का इसमें शेयर है ये इनको भी पता नहीं है, लेकिन जो कि उनके फादर ने उन्हें बताया ऐसा करना है तो ये लोग फादर की बात मान रहे हैं. किस तरह से ये इसमें इनका शेयर है दे डोंट नो. फॉर्च्यून मीन्स वेल्थ. पैसा, गोल्ड, प्रॉपर्टी, ये सब फॉर्च्यून कहा जाता है, वेल्थ. ऑन हिज डेथ बेड द ब्रदर्स फादर मेड देम स्वेयर दे वुड शेयर द ट्रेजर विद मैरी मॉटसन who has some unknown claim in the fortune. Thaddeus concludes by entreating the three to accompany him to the family estate where they will divide up the fortune. उसे family estate में बुलाते हैं, okay? बाकी तीन लोगों, कौन है अभी ये तो story बता रहा था, flashback बता रहा था, अभी वो इन लोगों को बोल रहा है तुम लोग आ जाओ ताकि हम ये वेल्थ, ये जो खजाना मिल गया है इसे हम डिवाइड करें, तुमको तुम्हारा शेयर दे दे, बिकॉज आवर फादर वांटेड टू गिव इट टू यू, ऐसा उसे बता देता है. दे अराइव्ड एट द हाउस एट द फैमिली एस्टेट. जो इनकी फैमिली की घर है वहाँ पे जगह है, एस्टेट है, लैंड है. द थ्री फाइंड अ शेकन हाउसकीपर. शेकन यानी इमोशनली शेकन, इमोशनली डिस्टर्ब्ड. कुछ तो हुआ है जिसके वजह से ये जो पर्सन है शेकन है, डरा हुआ है. अफ्रेड, डिस्टर्ब्ड. Who claims that Bartholomew has not emerged from his locked room all day. ये जो बड़ा भाई है थैडियस शॉल्टो का, उसका बड़ा भाई बार्थोलोमियो जिसे ये खजाना मिल गया था,
पूरे दिन अपने घर से नहीं, अपने रूम से नहीं निकला है, लॉक करके अंदर बैठ गया है। होम्स एंड वॉटसन पियर थ्रू द की होल ऑफ द रूम। ओके, की होल, रूम के की होल में से ये लोग झांक के देखते हैं, पीप करके देखते हैं, पियर टू लुक, पियर लुक। Peer through the keyhole of the room and find an unnatural grinning face leering at them. Okay, unnatural, एकदम unnatural look, grinning is smiling. Leering, staring, घूर घूर के देख रहा है. तो ये लोग क्या देखते हैं, बार्थोलोमियो अननेचुरल यानी नॉर्मल स्माइल नहीं लग रहा है, कुछ अलग तरीके से वो स्माइल दे रहा है, घूर के देख रहा है। जब दरवाजा तोड़ दिया, पता चला बार्थोलोमियो वॉज डेड। ओके, तो ये डेड बॉडी इनको देख के स्माइल कर रहा था, ओके, और घूर रहा था उन्हें। इट वॉज डेड, द बॉडी, द बार्थोलोमियो वॉज डेड। अ पॉइजन थॉर्न लॉज्ड इन हिज नेक। कैसे उसकी मौत हुई, उसके गले में एक थॉर्न मिला जिस जो जहरीला था। ओके, लॉज्ड इन हिज नेक, उसके गले में फंसा हुआ था। आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग फॉर सम टाइम, तो ये लोग ने जांच पड़ताल की, शर्लॉक होम्स था तो ही नोज टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेशन के बाद होम्स कंक्लूड्स दैट टू पर्संस, वन ऑफ हुम हैड अ वुडन लेग, कमिटेड द क्राइम। किसने किया, ये तो मर्डर है ना, बार्थोलोमियो का मर्डर हो गया, किसने किया, जिसने भी किया उसमें से एक आदमी को वुडन लेग था, पैर लकड़ी का बना हुआ था। अकॉर्डिंग टू होम्स द सेकेंड पर्सन वॉज एन एस्पेशली इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल। इट ऑल्सो बिकम्स अपेरेंट दैट द मर्डरर्स हैव स्टोलन द आगरा ट्रेजर। आगरा, आवर ओन आगरा, दिल्ली आगरा, तो ये खजाना, इसका नाम आगरा खजाना है, आगरा ट्रेजर। So some connection with India also. Sumit, you can ask me your doubt here, Sumit. Agra treasure and breaking down the door, they find the body of Bartholomew. Yes, we have done that. We are talking that the Sherlock Holmes, he found out one of the murderers had a wooden leg and was an interesting character, yani dilchasp type ka person tha, aur first time treasure ko, ye khazane ko ek naam milta hai, direct and indirect speech. Yes, direct and indirect, what doubt dear, in direct and indirect speech I have done it in my special classes also, you can attempt, and also on plus, if you are there on plus, this topic is already covered in plus classes also. You can ask me now right away also which doubt it is, I can do it now also for you. Yes, so we'll carry on. One of Holmes' deductions reveals that the wooden-legged man stepped in creosote during his escape. Creosote, तार जिसे हम कहते हैं, जो हम रोड पे लगाते हैं, तार, या मराठी में जिसे डांबर हम कहते हैं, वो उसमें, नॉट दैट, इट इज द वुडन पेंट, वो जो ब्राउनिश कलर का हम पेंट फर्नीचर पे लगाते हैं, दैट इज क्रियोसोट। ऑलराइट, इट्स, यस यस, यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम, योर आंसर आई विल गिव यू, which question you want on direct and indirect speech. Okay, Sumit. So creosote is the brown varnish jo furniture mein lagaya jata hai, uske upar ye wooden legged man ne pair diya tha. Abhi aap kisi bhi solution mein pair rakhte ho, uske baad chalte ho, to wo
प्रिंट आ ही जाता है आगे आगे, राइट, तो वैसे उन्हें पता चलता है। फॉलोइंग अप ऑन दिस लीड, तो ये एक क्लू बन गया इनको, इस आदमी को पकड़ने के लिए। फॉलोइंग अप ऑन दिस लीड, होम्स एंड वॉटसन बोरो अ डॉग टू फॉलो द सेंट। यानी अभी एक लिमिट के आगे वी कैन नॉट स्मेल एंड आइडेंटिफाई थिंग्स, बट एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्गर इंस्टिंक्ट, स्ट्रॉन्गर स्मेल, स्ट्रॉन्गर आईसाइट देन ह्यूमन बींग्स। तो वी टेक हेल्प ऑफ आवर एनिमल फ्रेंड्स, स्पेशली द डॉग, राइट, द ट्रेन्ड डॉग्स हमारे पुलिस वालों के काम बहुत आता है। द होल सेशन डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच, सुमित यू कैन चेक आउट ऑन स्पेशल डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच। एक सेंटेंस हो तो मैं अभी सॉल्व करके दे सकती हूँ, पूरा टॉपिक चेंज कैसे, इट विल टेक 10 to 20 minutes। You can ask me one or two sentences. I'll give you the answer for that. Okay, Sumit? Yes, so they take the help of a dog to follow the scent. Their search leads them to the edge of the Thames. Thames is a river. Just like we have our river Ganga. Creosote liquid varnish for furniture. Yes, yes. Go ahead, Sumit. Thames, a river in England. तो ये लोग, इनको पता है ये एक लिक्विड वार्निश में ये पैर देके ये लोग भागे यहाँ से, तो ये लोग एक डॉग की हेल्प लेते हैं इस स्मेल को आइडेंटिफाई करके आगे जाने के लिए, और कहाँ पर पहुँच जाते हैं, एज ऑफ द थेम्स, थेम्स रिवर के एज तक पहुँच जाते हैं। विच इज वेयर इट इज क्लियर द टू क्रिमिनल्स हायर्ड अ बोट। यहाँ से ये लोग ने बोट लेके यहाँ से एस्केप हो गए, इसके आगे द डॉग कैन नॉट स्मेल एनीथिंग। हु आर द टू क्रिमिनल्स हु मर्डर्ड बार्थोलोमियो। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज होम्स रिक्रूट्स हिज बेकर स्ट्रीट इरेगुलर्स। नाम अच्छा है लेकिन ये कौन है एक्चुअली, बेचारे बच्चे जो ऐसे ही घूमते रहते हैं रास्ते पर। स्ट्रीट अर्चिन्स, अ गैंग ऑफ स्ट्रीट अर्चिन्स, ओके, पूरा इनका सेट है, पूरा इनका गैंग है, गैंग ऑफ स्ट्रीट अर्चिन्स टू सर्च द रिवर फॉर द बोट। इनको काम पे लगा दिया ढूंढने के लिए ये बोट कहाँ पर है। देयर एफर्ट्स फेल, लेकिन ये लोग नाकाम होते हैं, इनको नहीं मिलता है ये बोट, ना तो वो लोग मिलते हैं। होम्स इन डिसगाइज मेक्स अ सर्च हिमसेल्फ एंड डिस्कवर्स दैट द बोट The Aurora has been camouflaged. ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? मिस्टर बार्थोलोमियो got murdered. The two criminals, one of them had a wooden leg. एक का wooden leg था, उसमें से एक ने जो varnish है furniture के लिए उसमें पैर देखकर I asked whether he had given any guru dakshina to the guru, to his guru. That's the answer. Okay, Sumit? Without comma and without punctuation. Yes. So, Bartholomew is murdered. They know that the criminal stepped on liquid varnish. They have escaped from the river Thames on a boat. Street urchins, यानी जो बच्चे बेचारे ऐसे घूमते रहते हैं,
लाइक आवर रैग पिकर्स, ये वो चीज़ें सब उठाकर, तो उन्हें उन्हें ये काम दिया जाता है कि जाके ढूंढो ये बोट को. बोट नहीं मिलता है उनको, लेकिन शर्लक होम्स इन डिस्गाइज, यानी शर्लक होम बहरूपिया बनकर कुछ और ये देकर. आई गेव यू द आंसर सुमित, इट इज आई आस्क्ड वेदर ही हैड गिवन एनी गुरु दक्षिणा टू हिज गुरु, दैट इज द आंसर टू योर सेंटेंस. ऑलराइट, गैंग ऑफ स्ट्रीट अर्चिन्स, लेकिन शर्लक होम्स भेस बदल कर कुछ और कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम डालकर उसे ये बोट मिल जाता है. कैमोफ्लाज्ड, कैमोफ्लाज यानी छुपाना, या तो पत्ते डाल के या कपड़े डाल के या कोई शीट डाल के कोई चीज को छुपाना, कैमोफ्लाज उस ताकि वो उस कलर के साथ मैच हो जाए. चेमिलियन को कैमोफ्लाज कहते हैं. चेमिलियन ग्रीन पत्ते पे बैठा होता है तो उसका कलर ग्रीन बना देता है, वो ब्राउन कलर का ब्रांच पे बैठा है तो ब्राउन कलर बन जाता है वो, दैट इज कैमोफ्लाज. तो ये बोट पता नहीं कैसे कैमोफ्लाज किया जाता, कलर के साथ उसको मिंगल करके छुपा हुआ था. गॉट इट, ओके. कैसे आया डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सुमित, आपको यूजुअली सेड दैट एंड यू हैव टू चेंज द व्हाट इज दैट पंचुएशंस नहीं लगाना है, ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है. ओके, Aurora had been camouflaged that night. Holmes, Watson and several officers pursued the Aurora in a police barge. पुलिस वालों की हेल्प लेकर Sherlock Holmes, Dr. Watson और दूसरे officers इस बोट तक पहुंच जाते हैं. ओके, Sherlock Holmes समझदार आदमी था, अकेला जाएगा तो they may attack him, तो वो पुलिस फोर्स के साथ वहां पर जाता है. दे ग्रेजुअली ओवरटेक द बोट, बोट को ओवरटेक करते हैं, बोट के आगे निकल जाते हैं, बोट पकड़ लेते हैं, विच कंटेन्स अ वुडन लेगेड कैप्टन एंड अ स्मॉल पिग्मी नेटिव फ्रॉम द एंडमान आइलैंड्स. कौन है उस बोट के अंदर? उस बोट का कैप्टन का एक पैर लकड़ी का बना हुआ है और उसके साथ पिग्मी नेटिव यानी शॉर्ट हाइट वाले लोग जो है उन्हें पिग्मीज, शॉर्ट हाइट विच प्लेस फ्रॉम एंडमान आइलैंड्स. नेटिव अटेम्प्ट्स टू शूट होम्स विद अ ब्लो पाइप एंड इज कॉन्सिक्वेंटली शॉट डाउन बाय बोथ होम्स एंड वॉटसन. तो ये पिग्मी जब इन्हें अटैक करने की कोशिश करता है तो होम्स और वॉटसन उसे गोली मार देते, सेल्फ डिफेंस. या If somebody attacks you, तो you can attack back in self-defense. Fine? तो वो लोग self-defense में उसे गोली मार देते हैं क्योंकि वो खुद उन्हें शूट करने जा रहा था, इतने में they shot him back. The Aurora runs aground. यानी पानी जब कम हो जाता है तो ship रुक जाता है या boat रुक जाता है. So that is the Aurora runs aground. यानी get stuck in the mud, in the sand. And the wooden legged man becomes entrapped in the mud. Subsequently, he is captured. Okay? First जाता है वो मिट्टी में और उसे पकड़ा, वो पकड़ में आ जाता है पुलिस और शर्लक होम्स का. फोकस बैच फॉर फाइनल एग्जाम्स 2022, एचएससी क्लास 12, स्टार्ट डेट 13/12/21, एंड डेट 31 जनवरी 22. हार्दिक खेराडिया सर ओसीएम लेंगे, शालिनी खुशवाह मैम मैथ लेंगे, प्रियंका सिंह मैम इकोनॉमिक्स लेंगे,
डिलीवरी इन इंग्लिश यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाया जाएगा. अगेन फॉर मॉर्निंग सेशंस फोकस बैच फॉर फाइनल एग्जाम्स 2022 ये क्रैश कोर्स है. फॉर HSC क्लास 12 विनय बजाज सर अकाउंट्स लेंगे 10 AM टू 11 AM मंडे वेनसडे फ्राइडे. इम्तियाज अंसारी सर OCM लेंगे 8:45 AM टू 9:45 AM मंडे वेनसडे फ्राइडे. शालिनी खुशवा मैम मैथ्स लेंगे 8 PM टू 9 PM ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे. प्रियंका सिंह मैम इकोनॉमिक्स लेंगे 5:30 PM टू 6:30 PM ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे. डिलीवरी इन इंग्लिश यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाया जाएगा ये क्रैश कोर्स है. लेट्स क्रैक बोर्ड एग्जाम्स 2022 HSC क्लास 12 स्टार्ट डेट 6/12/21 End date 19/1/22 Delivery in Marathi. Marathi madhe shikvil jail. Sunil Kavale sir physics lenge 4 PM to 5 PM Tuesday and Thursday. Jagdish Vag sir chemistry lenge 6:30 PM to 7:30 PM Monday and Wednesday. Digambar Mali sir biology lenge 7:45 PM to 8:45 PM Tuesday and Thursday. Once again, revision course HSC class 12, Let's Crack Board Exams 2022, delivery in Marathi, Marathi mein sikhaya jayega. Sunil Kavale sir physics lenge, Jagdish Vag sir chemistry lenge, Navthale sir maths lenge. Maths and science revision course batches. HSC class 12 rapid revision batch in the morning. Delivery in English. Crash course subjects offered economics, accounts, OCM, maths and English. Start date 15 November 2021. End date 31st Jan 2022. Vinay Bajaj sir accounts lenge. Imtiaz Ansari sir OCM lenge. रिशु मोदी सर मैथ्स लेंगे. वंदना बजाज मैम इंग्लिश लेंगे. प्रियंका सिंह मैम इकोनॉमिक्स लेंगे. वंस अगेन फॉर HSC क्लास 12 रैपिड रिवीजन बैच डिलीवरी इन इंग्लिश यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाया जाएगा. स्टार्ट डेट 15 नवंबर 2021 एंड डेट 31 जनवरी 2022. हार्दिक खेराडिया सर OCM लेंगे. रिशु मोदी सर मैथ्स लेंगे. वंदना बजाज मैम इंग्लिश लेंगे. प्रियंका सिंह मैम इकोनॉमिक्स लेंगे. रिविजन बैच फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स डिलीवरी इन मराठी. कुनल देशमुख सर फिजिक्स लेंगे थर्सडे सैटरडे 4 PM टू 5 PM विनोद फरफट सर मैथ्स लेंगे वेनसडे एंड फ्राइडे 5:15 PM टू 6:15 PM क्लासेस इन मराठी हिंदी एंड इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस फुल सिलेबस बैचेस. Now, these two are caught. Okay, ये जो कैप्टन था इसका एक फीट वुड का बनाया गया था इसे पकड़ा गया है
इसके बाद में वो पिग्मी को इन्होंने गोली मार दिया है. वुडन लेगेड मैन का नाम था है जॉनाथन स्मॉल. इज ब्रॉट बैक टू बेकर स्ट्रीट अलोंग विद एन आयरन बॉक्स विच वॉज फाउंड ऑन द बोट. बोट में उन्हें वो खजाना भी मिल जाता है. वुडन लेगेड मैन जॉनाथन स्मॉल को भी ये लोग पकड़ लेते हैं. कैप्टन स्मॉल प्रोसीड्स टू रिले द स्टोरी ऑफ द आगरा ट्रेजर. कैप्टन स्मॉल इन्हें ये स्टोरी बताता है ये क्या है ये आगरा के खजाने के बारे में. आगरा ट्रेजर विच बिगैन व्हेन ही वाज स्टेशन्ड एज अ फोर्ट्रेस गेटकीपर इन इंडिया. जॉनाथन स्मॉल ये एक किले की रखवाली करते थे इंडिया में. फोर्ट्रेस गेटकीपर इन इंडिया. Small explains that he was approached by three Arab guards and offered a share in a great fortune if he would help them murder the man who carried it. इन्होंने एक साजिश रची कि तीन अरबी गार्ड भी थे उस किले की रखवाली जो करते थे. इन्होंने एक उसे भी एक प्लान में शामिल किया. प्लान ये था कि जिसके पास ये खजाना था उसका मर्डर करना है और ये खजाना उसके पास से चुराना है. ये इनका प्लान था. इफ ही वुड हेल्प देम मर्डर द मैन हु कैरीड इट. स्मॉल अग्रीड के स्मॉल अग्री करता है तो हमें पता चलता है कि स्मॉल नेगेटिव कैरेक्टर ग्रे कैरेक्टर जो गलत काम करता है उसे हम ग्रे कैरेक्टर कहते हैं. इज अ नेगेटिव कैरेक्टर. ओके तो इस गलत काम में वो उनका साथ देने में अग्री करता है. When the man and emissary from a wealthy sheikh arrived, emissary yani messenger, जैसे हमारे अभी के ambassadors हैं, representatives of a particular country, तो वो एक बहुत wealthy, wealthy means lot of money, wealthy sheikh, okay, you know no, sheikhs are the kings of Arabia, they have a lot of money, wealthy, very wealthy. Arrived three Arabs murdered the man. As small blocked his escape. तो ये जो तीन अरब थे gatekeepers, इन्होंने इस emissary को मार डाला और small ने क्या किया वो रास्ता रोके रहा ताकि ये भाग ना जाए वहां से. Blocked the escape. Blocked his escape. The four conspirators hid the treasure, but soon after was arrested for the murder of the emissary. ये लोगों ने चारों ने खजाना छुपा लिया लेकिन इस एमिसरी के मर्डर में इन्हें जेल हो गई. अरेस्टेड फॉर द मर्डर ऑफ द एमिसरी. स्मॉल वॉज सेंट टू अ पीनल कॉलोनी ऑन द अंडमान आइलैंड्स. अंडमान निकोबार में हम जाते हैं काला पानी वॉज इन अंडमान निकोबार राइट. तो ऐसा एक जेल पीनल कॉलोनी में वो जब था वेर ही मैनेज टू बिफ्रेंड अ नेटिव टोंगा. नेटिव वहाँ के जो लोकल थे एंड यू नो ट्राइबल्स दे आर वेरी स्ट्रांग दे हैव देयर ओन प्लस पॉइंट्स. उनको बहुत आता है ये थॉर्न और ये पॉइजनस मेडिसिन ये सब उनको पता है. जो भी है ही बिकेम बी फ्रेंड टोंगा नाम के इस नेटिव लोकल जो है अंडमान निकोबार का एक लोकल आदमी से उसकी दोस्ती हो गई. हु बिकेम हिज लॉयल कंपेनियन. वो उसका दोस्त बन गया. स्मॉल ब्राइब्ड टू ऑफ द गार्ड्स ऑन द आइलैंड. दो गार्ड्स को उसने रिश्वत दी स्मॉल ने शॉल्टो एंड मॉर्स्टन. ये ट्रेजर उसके पास था छुपा के रखा था खुद जेल में था तो वो कैसे उसे यूज करे. तो वहां के दो गार्ड्स को उसने रिश्वत दी. कौन शॉल्टो मॉर्स्टन. मॉर्स्टन मैरी मॉर्स्टन्स फादर एंड शॉल्टो शायद हमारा थाडियस का फादर जो है शॉल्टो जो हार्ट अटैक से मर गया ग्लास विंडो में देखने पर. ओके टेस्ट सीरीज एंड फ्री वर्कशॉप्स. ओके अन अकेडमी प्रेजेंट्स फ्री टेस्ट सीरीज एंड फ्री वर्कशॉप्स फॉर HSC क्लास 11 एंड 12 कॉमर्स. इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स ऑफ कॉमर्स फ्री टेस्ट ऑन इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स ऑफ कॉमर्स 3 o'clock. Enroll at unacademy.com. All subjects of HSC class 11 and 12 commerce plus के बच्चों के लिए ये unacademies plus subscribers 7 o'clock is the test every alternate day.
Even for science students, we have these batches, classes on weekdays, free tests on every weekend, term 1 topics of science, 3 p.m. Again, for class 11 and 12 HSC Science Plus students, tests on every alternate day, 7 p.m. Enroll at unacademy.com. Offer for Plus subscribers, exciting mega offers for Maharashtra board students of classes 9th to 12th. Buy 12-month subscription, get 6 months free. Buy 24-month subscription, get 6 months free. Flat 10% discount only for first 1000 subscribers. Use my code PMHLIVE and get 10% discount. So you get 10% special discount as well as on using my code. Again, you will get another 10% discount. Amazing discounts, free creative corner. So where are we? We have covered a long story of the sign of 4. And do join me on Plus Classes for complete detailed study and analysis of this novel. Okay, more character analysis. Completion of the story will be done on the Plus Classes. Alright. Now, वहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है? इसे पकड़ा जा रहा है, वो फ्लैशबैक स्टोरी बता रहा है कैसे उसने वो अरब एमिसरी के मर्डर में हेल्प किया, ट्रेजर वो खजाना उन्होंने चोरी कर लिया और उसके बाद में शॉल्टो और मॉर्स्टन ये दो गार्ड्स अंडमान निकोबार अंडमान पीनल कॉलोनी के दो गार्ड्स को उन्होंने रिश्वत दी इनटू हेल्पिंग हिम एस्केप इन एक्सचेंज फॉर अ शेयर इन द फॉर्च्यून इस खजाने का एक हिस्सा उन्हें मिलेगा अगर वो लोग उसके भागने में मदद करेंगे तो द टू अग्रीड दोनों ने यस बोला हाँ कहा इसके लिए एंड शॉल्टो लेफ्ट टू ब्रिंग बैक द ट्रेजर मॉर्स्टन भी गार्ड था वो भी रेडी शॉल्टो को उन्होंने भेज दिया वहां से ये ट्रेजरी ढूंढ के निकालने के लिए After some time, it became apparent to Small that Sholto had betrayed him. लेकिन Sholto ने उसे धोखा दे दिया वो वेल्थ लेकर यहाँ नहीं आया वेल्थ लेके पूरा ही लेके वो भाग गया धोखा दे दिया उसने ओके बिट्रेयल मीन्स टू चीट बिट्रेड चीट शॉल्टो को क्या करना था ये ट्रेजरी लेके आना था यहां पर राइट ताकि ये तीनों में से शेयर कर सके लेकिन उसने क्या किया वो यहां से वहां से पूरा ही ट्रेजरी लेके भाग गया ही चीटेड स्मॉल एंड मॉर्स्टन मॉर्स्टन जो उसका और एक साथी था इसमें उसने उसे चीट किया ऑलराइट व्हाट एल्स अभी उसको तो गुस्सा आना ही था स्मॉल को कि मेरा राज भी उसने जान लिया और मेरा सारा वेल्थ लेके वो भाग गया वहां से मुझे कुछ नहीं मिला एंड ही एस्केप फ्रॉम द आइलैंड विद टोंगा उसके साथ जो नेटिव था अंडमान का टोंगा के साथ वो भाग गया आफ्टर मेनी इयर्स स्मॉल हैड ट्रैक डाउन शॉल्टो एंड अराइव्ड जस्ट इन टाइम टू सी हिम डाई अभी उसको ढूंढ कोई भाग गया कहीं से तो दूसरे के पकड़ में ना आए इसलिए दूर दराज जाके सेटल हो जाता है राइट तो ये शॉल्टो भी दूर जाके सेटल हो गया लेकिन स्मॉल ने उसे ढूंढ निकाला एग्जैक्टली व्हेन ही वाज गोइंग टू डाई वी नो दैट शॉल्टो सॉ समबडीज इमेज ऑन द विंडो पेन एंड डाइड वो इमेज इनका था स्मॉल ही सीज स्मॉल्स इमेज एंड डाइज तो स्मॉल कुछ कर नहीं पाया बदला लेने से पहले ही उसका शिकार मर गया नेचुरल डेथ
Of course, he got scared on seeing him and died. After the death, Small affixed the note that was found on the body. What was the note? Sign of 4. जो हमारे नॉवल का टॉपिक है और ये चार ये इन लोगों को सिग्निफाई करता है, यही जो चोर थे इसमें. ओके, ये ट्रेजरी के पीछे है. गलत मीन से ये ट्रेजरी मिला है, ये खजाना गलत मीन से मिला है. इसके लिए सब सब का नियत इसमें बदल जाता है, सब गलत काम करते हैं. इसके बीच में कुछ लोगों का मर्डर भी हो जाता है, किसी को शांति नहीं मिलती इसकी वजह से. हाउ इट इज totally in a negative way, right? So wealth that is rightfully yours, जो आपने मेहनत से कमाया है या जो आपको by just means मिला है, that will always do you good. लेकिन the wealth that you get by unjust means will you know, आपको peace of mind नहीं मिलेगा. तो ये यहाँ पर हम यही देखते हैं कि इनको चैन से रहने को नहीं मिलता है. Sholto, he was always afraid of men with wooden legs. डर में जीता है. Yes. After the death, Small affixed the note that was found on the body as a reference to himself and his three Arab companions. Sign of 4. One is Small, one Arab, two Arab, three Arab companions. This is the meaning of sign of 4. So, ye ek code jaisa ho gaya. Humne is code ko सॉल्व कर दिया इस क्लास में. ओके, टिल हियर वी हैव अंडरस्टूड व्हाई द नेम साइन ऑफ 4. अन एकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स एट अफोर्डेबल प्राइस. फॉर क्लास 12 सब्सक्रिप्शन, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, डेली इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, live mock tests and quizzes, 12 months 1000 monthly, 6 months 1333 monthly, 3 months 1667 monthly, and for 1 month 2000 monthly. Use my code PMHLIVE and get a 10% discount on subscription. It's easy to subscribe to Unacademy Plus. Choose a payment mode. Pay in installments. Zero cost EMI available. Is there anything you would like to ask me? You may ask. My next plus and special classes. Plus class, date tomorrow, that is 2012-21. The time is 8:30 a.m. to 9:30 a.m. Doubt clearing and voyaging towards excellence, part 3. Name of the batch, Tagore batch. Special class, 21-12-21. Nice date, 21-12-21. Time 7:30 p.m. to 8:30 p.m. Topic of the class, tense. With that, I come to the end of the class. Today we did sign of 4. So if you liked my class, do press the bell icon and subscribe to our Unacademy channel. Further on, I will be doing in the plus class what happens in sign of 4. Sign of 4 mein क्या होता है. या वेलकम सात्विक, इट्स टाइम टू वाइंड अप द क्लास. वील बी डूइंग फर्दर ऑन इन द प्लस क्लासेस. साइन ऑफ 4, वी ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन ऑफ 4, बट व्हाट हैपेंस बियॉन्ड दिस, व्हाट एनालिसिस वी कैन डू ऑन दिस चैप्टर, वी विल डू फर्दर ऑन इन प्लस क्लासेस. साइन ऑफ 4, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, हैव अ नाइस डे.